नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ सोने व चांदी के भाव। आज की पहली बड़ी खबर है, मोबाइल रिचार्ज करवाएं व 5000 रुपए तक कमाएं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों को तोहफा देने के लिए पेमेंट ऐप पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर खास स्कीम रिचार्ज साथी को लॉन्च कर दिया है। इस स्कीम के लिए कंपनी ने पेमेंट ऐप पेटीएम के साथ साझेदारी की है। इस डील के बाद अब यूजर्स पेटीएम के जरिए वोडाफोन या आइडिया मोबाइल नंबर पर प्रीपेड रिचार्ज करके कमाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके जरिए ग्राहक पेटीएम के जरिए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करके हर महीने 5000 रुपए तक कमा सकेंगे। वहीं वोडाफोन के अलावा रिलायंस जियो और एयरटेल भी ऐसी सुविधा दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, पीएनबी ने ग्राहकों को दिया तोहफा, मुफ्त कर दी ये सर्विस। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच ग्राहकों को बैंकों की ओर से राहत देने का सिलसिला जारी है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पीएनबी ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले आईएमपीएस चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी सरकार। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां एक और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरे कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। अगली बड़ी खबर है, अगले कुछ घंटों में देश के इन राज्यों में होगी तेज बारिश, कहीं कहीं पड़ सकते हैं ओले। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। इस बेमौसम बारिश का सेहत एवं फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है। अगले 24 घंटों के दौरान यह अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, इसलिए इन जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब हरियाणा में धूल भरी आंधियां चल सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान बिहार झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है। वहीं सोने व चांदी से जुड़ी अगली बड़ी खबर है, सोने में मामूली बदलाव, चांदी हुई सस्ती। जान लेते हैं आज के भाव। सोने की कीमतों में लगातार दो दिन से चल रही तेजी आज थम गई है। सोने के भाव में आज मामूली 40 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई। वहीं चांदी की बात करें तो आज चांदी 470 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोना तेज हुआ। वह आज न्यूयॉर्क में सोने के भाव 1746.40 डॉलर प्रति औंस पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चांदी की बात करें तो आज चांदी 0.36% टूटकर 1547 डॉलर प्रति औंस पर रही। वहीं अब जान लेते हैं MCX मार्केट के अनुसार आज सोने व चांदी के भाव क्या रहे। चांदी 1 ग्राम का रेट 42.03 रुपए, 8 ग्राम का रेट 336.24 रुपए, 10 ग्राम का रेट 420.30 रुपए, 100 ग्राम का रेट 4203 रुपए व 1 किलो का रेट 42.30 रुपए रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 24 के रेट सोने के भाव। इससे पहले रोजाना सोने व चांदी का भाव जानने के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज 24 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 4591 रुपये, 8 ग्राम का रेट 36728 रुपये, 10 ग्राम का रेट 45910 रुपये व 100 ग्राम का रेट 4,59,100 रुपये रहा। वहीं अब जान लेते हैं टुडे 24 के रेट सोने के भाव। आज 24 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 4300 रुपये, 8 ग्राम का रेट 34400 रुपये, 10 ग्राम का रेट 43000 रुपये व 100 ग्राम का रेट 4,30,000 रुपये रहा।